तो हेलो गाइस, मैंने मिधारी मेरे जगह ना मीडिया वाई और तुम्हारे जो ये सब पहने तो उनको ऊपर जब मैं डालना तो पहले मेरी डॉल पे देख सकते हो। मैंने एक नई डॉल खरीदी, मेरी पिछली डॉल बहुत गंदी हुई थी तो मैंने नई डॉल खरीदी है, तो देख सकते हो एक न्यू डॉल है। अब आज हम लाने वाले इसका हेयर बैंड, तो देख सकते हो इसके इतने गंदे हेयर हो चुके हैं, तो हम हेयर बैंड वो बनाने वाले। तो मैंने पिछली वीडियो में कॉम बनाया था, तो कॉम देख सकते हो मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हो। और एक एक दीदी है जो मेरी चीटिंग करी, मैंने पिछली बार ड्रेसिंग टेबल के साथ साथ और एक वो भी बनाया था आई पैलेट, तो वो दीदी मुझसे क्या है, उनने भी सेम टू सेम करा, बस ये है उन्होंने ग्लिटर शीट लगा दी तो कॉपीराइट नहीं आया। देख सकते हो मेरे के तो अच्छे को, मैं अगर चीटिंग करें करो, लेकिन इधर ऐसा थोड़ी ना उनका तो चीटिंग कर दो। तो हमारा बनाने वाला हेयर बैंड, तो हेयर बैंड के लिए हमको ये जो बॉटल आती है इसकी नीचे वाली चीज़ होती है ना, इसको हम कट करते हैं। तो ये मैंने ये कट कर लिया है, देख करे यह बहुत अजीब तरीके से गिरा है, ये मैंने कट कर लिया, ये हेयर बैंड है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रिबन भी आप लगा सकते हो, वैसे तो मैं लगाने वाली हूँ पेपर, बहुत बढ़िया पेपर लगाऊंगी। और अब आप यहाँ गिर जा रही है, थोड़ा सा प्रेस करो, गिर गया गया कहाँ गया। मैं बहुत अच्छी चीज बना रही थी इसलिए गंदगी हो गई थी। तो ये है मेरा हेयर बैंड, अब हम क्या करेंगे इसको वो कवर कर लेते हैं। इस पर पेपर लगाना कैंसिल, तो मैं लगाने वाली हूँ येलो टेप, तो टेप लगा सकते हो, लेकिन पेपर ज़िंदगी में मत लगाना, क्योंकि इसमें अगर पेपर दीदी ने देखा था तो उन्हें पेपर लगाया था, लेकिन पेपर स्टिक नहीं होता है, कभी भी देख आप चिपका सकते हो, कोई भी पेपर आप ले सकते हो, लेकिन वो अगर आपको वो वाले पतला वाला पेपर आते हैं जिसमें आप लिखते हो वो वाला पेपर इसमें शायद चिपक सकता है, लेकिन आप टेप का यूज़ करें क्योंकि ये ग्लिटरिंग अच्छी रहती है। और ये टेप के उन्होंने मुझे लगता है रिबन लगाई थी, मुझे लगता है रिबन लगाई थी, पेपर मुझे लगता नहीं चिपक सकता है, तो ये हम लगा लेते हैं। तो 1 2 एंड 3, तो ये मेरा चिपक चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं दिखाती हूँ, मेरा बहुत गंदा हो चुका है बॉक्स में, क्या बताऊँ, दो आर्टिस्ट है इसके साथ में होता है। अब मैं क्या करूँ इसका, मेरा पहली बॉक्स बॉक्स का है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, तो इसको बंद करते पड़े, अच्छा दिखें ये है। तो ये मेरे पास कुछ बॉल्स हैं, मैंने पिछली बार इनसे वो मार्क्स वाला बनाया था, उन्होंने कुछ बच गए थे, तो मेरे पास ये बॉल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर स्टिक कर लेते हैं। तो ये मैंने स्टिक कर दिए हैं, आप बताऊँ तो मेरे पास ज़्यादा बॉल्स हैं नहीं, तो मैंने यहाँ वो जो कैट वाला आता है ना वैसे मैंने लगाने का सोचा था, लेकिन मेरे पास ज़्यादा थी नहीं तो मैंने ऐसे ही लगा लिए हैं। अब ये अच्छी लग रही है, मैं अभी अपने डॉल को पहनाती हूँ, मतलब मेरी बारबी को। तो ये मेरी बार भी है, कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं बताऊँ तो ये बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हील्स बनाऊँगी। तो मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि मैं अब एक चीज़ चालू करूँगी, मतलब कि स्टार्ट कर रही हूँ कि 10 डेज तक मैं अब बस डॉल की सामान बनाऊँगी, बस कुछ नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड कह रही थी कि उसके पास डॉल के सामान नहीं है। तो नेक्स्ट अब मैं नेक्स्ट मैंने फ्रिज बना लिया था, अब उसका मैंने बॉक्स भी बना ली, बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आपको मैं अपना डॉल सेट भी दिखाऊंगी और इनकी हील्स भी बना के दिखा दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।